हाथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने तथा कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए हाथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत मंगलवार को जिलाधिकारी के समक्ष 41 हाथकरघा उद्योगों के प्रोडक्ट्स को प्रस्तुत किया गया, जिसमें से जिलाधिकारी ने 4 प्रोडक्ट को पुरस्कार के लिए चयनित किया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 20,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000 तथा तृतीय पुरस्कार पाने वाले को 10,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप निदेशक हाथकरघा राम बड़ाई ने बताया। वो हथकरघा उत्पाद जो है, हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए फाफकी व्यवस्थाओं में इनको बढ़ावा देने के लिए और इनके उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क में ले आने के लिए ये राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार चयन की एक जो है फाफनादेश निर्गत की गई, जिसके अंतर्गत ये जो है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यह जो है चयन कराया गया है। कितनी समितियाँ होंगी इसमें करीब? ये इसमें प्रतिभाग करने वाले 41 जो है समितियाँ प्लस जो है व्यक्तिगत बुनकर हम थे प्रतिभाग किए हुए हैं, जिसमें से 4 जो है यानी पुरस्कार के लिए यानी चयनित हुए हैं। एक स्वांतना पुरस्कार के अंतर्गत है और 3 जो है यानी परिक्षेत्र स्तर के पुरस्कार के लिए है। हाँ, प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 20,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले के लिए 15,000 और तृतीय पुरस्कार पाने वाले के लिए 10,000 स्वांतना के रूप में प्रशस्ति पत्र दे दिया जाता है।